kitchen.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। ये बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर बताएं। अगर मेरी चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेते हैं और इसमें हम एक कटोरी प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद से हिसाब से नमक, आधे चम्मच अजवाइन, बेसन मिला देंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे, थोड़ा नींबू पानी डालेंगे, हमने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया है। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा कच्चा हो तो उसको निकाल लेंगे। कटोरी लेते हैं और पकौड़े को प्रेस करते हैं। इसी तरह का हम शेप दे देते हैं। इसको हम फिर फ्राई करेंगे। प्रेस किए हुए पकौड़े को फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। का कलर जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक इसी तरह हम पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकालेंगे। तैयार है प्याज के पकोड़े। इसे हम चटनी के साथ सर्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।